हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जो है तो बिल्कुल फ्री है पर प्रीमियम इंडिकेटर्स को भी टक्कर देता है। आपको हमेशा एक्यूरेट टाइम पर बताएगा कि कहां पर बाई करना है, कहां पर सेल करना है। हालांकि ये जो इंडिकेटर है जिसके बारे में बताने वाला, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बता रखी है। ये कोई नया इंडिकेटर नहीं मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो मेरी अपनी पर्सनल सेटिंग अगर आप उसको वैसे यूज करेंगे और जो मैंने इसके बेसिस पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या रूल बना रखा है, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि बेस्ट आपको रिजल्ट लाकर देगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसा इंडिकेटर है। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को मेरे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं फ्री में सारे कंटेंट बनाता रहता हूँ और सारे कंटेंट को आपके लिए मेहनत करके लाता रहता हूँ, तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे की जाएगी। ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जानते हैं। हम निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में ट्रेंड सिग्नल विद अलर्ट सर्च करेंगे। इसके बाद हमें ट्रेंड सिग्नल विद अलर्ट विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है। इनपुट में रिस्क शॉर्टिन को 22 में बदल देंगे। उसके बाद चार्ट पर एक और इंडिकेटर लगाना होगा। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर सर्च करेंगे। इसके बाद हम RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब हमारा सेटअप तैयार है। इन ट्रेडिंग इंडिकेटर का यूज कैसे करते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेंड सिग्नल विथ अलर्ट इंडिकेटर ने हमें बाय का सिग्नल दिया है। अब हम सेकंड कंफर्मेशन के लिए हिस्टोग्राम इंडिकेटर देखें तो यहां प्लॉट लाइन 0 लेवल अप ट्रेंड है और लास्ट कंफर्मेशन के लिए यहां मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाया है। यदि मार्केट ये सभी कंडीशन पूरी करता है तो हम यहां बाय ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस पिछले लो पर रखा जाना है और इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने कंप्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। चलिए अब शॉर्ट पोजीशन को समझ लेते हैं। ट्रेंड सिग्नल विद अलर्ट इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दिया है। अब हम सेकंड कंफर्मेशन के लिए हिस्टोग्राम इंडिकेटर देखें तो यहां प्लॉट लाइन 0 लेवल डाउन ट्रेंड है और लास्ट कंफर्मेशन के लिए यहां मार्केट ने बेयरिश कैंडल बनाया है। यदि मार्केट ये सभी कंडीशन पूरी करता है तो हम यहां सेल ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस पिछले हाई पर रखा जाना है और इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, हम कुछ एग्जांपल देखने जा रहे हैं। ट्रेंड सिग्नल विद अलर्ट इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दिया है। यहां पर RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर की प्लॉट लाइन 0 लेवल डाउन ट्रेंड है और मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए यहां बेयरिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने ये सभी कंडीशन पूरी कर दी है, इसलिए हम सेल का ऑन ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस पिछले हाई पर रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। ट्रेंड सिग्नल विद अलर्ट इंडिकेटर ने हमें बाय का सिग्नल दिया है। यहां पर RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर की प्लॉट लाइन 0 लेवल अप ट्रेंड है और मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए यहां बुलिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने ये सभी कंडीशन पूरी कर दी है, इसलिए हम बाय का ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस पिछले लो पर रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। ट्रेंड सिग्नल विद अलर्ट इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दिया है। यहां पर RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर की प्लॉट लाइन 0 लेवल डाउन ट्रेंड है और मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए यहां बेयरिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने ये सभी कंडीशन पूरी कर दी है, इसलिए हम सेल का ऑन ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस पिछले हाई पर रखेंगे
और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है, अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। ट्रेंड सिग्नल विद अलर्ट इंडिकेटर ने हमें बाय का सिग्नल दिया है। यहां पर RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर की प्लॉट लाइन जीरो लेवल अप ट्रेंड है और मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए यहां बुलिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने ये सभी कंडीशन पूरी कर दी है, इसलिए हम बाय का ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस पिछले लो पर रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। ट्रेंड सिग्नल विद अलर्ट इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दिया है। यहां पर RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर की प्लॉट लाइन जीरो लेवल डाउन ट्रेंड है और मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए यहां बेयरिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने ये सभी कंडीशन पूरी कर दी है, इसलिए हम सेल का ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस पिछले हाई पर रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है, अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। ट्रेंड सिग्नल विद अलर्ट इंडिकेटर ने हमें बाय का सिग्नल दिया है। यहां पर RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर की प्लॉट लाइन जीरो लेवल अप ट्रेंड है और मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए यहां बुलिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने ये सभी कंडीशन पूरी कर दी है, इसलिए हम बाय का ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस पिछले लो पर रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अगर वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आने वाले टाइम में अगर आपको और भी बहुत सारे स्ट्रेटजी रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।